हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर टाटा नैनो वीडियो। एंड जस्ट अभी रिसेंटली गाइस मैंने नैनो की सर्विसिंग करवाई थी, एंड कुछ लोगों का एक्चुअली कमेंट था कि प्राइसेस कितना लगा, कॉस्ट कितनी लगी। मैंने एक्चुअली उस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ ये चीज डिस्क्लोज नहीं की थी। सो अभी एक चीज तो मुझे अभी भी नहीं पता कि लेबर चार्ज वहां पे कितना लिया है, क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ी सी जल्दी पड़ गई थी एंड टाइमिंग वैसे शाम का काफी लेट होगा, तो 6:30-7 हो गए थे एंड मुझे 7:30 बजे तक कहीं दूर पहुंचना था, तो मैं वहां से निकल गया था के भैया को। सो अभी मैं आपके सामने ही कॉल करता हूँ मोनू भैया को, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या लेबर कॉस्ट है, क्योंकि साइलेंसर का भी जो काम उस दिन वो बोल्ट का करवाया था उसके भी मैंने कोई पैसे नहीं दिए हुए, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया लेबर का। सो अभी फटका लगने वाला है मुझे, बट कोई बात नहीं, वो जरूरी भी है। सो ये मिलाया कॉल। उठा नहीं रहे भैया, बिजी होंगे। हेलो भैया। हेलो भैया। हाँ भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। वो मुझे पता करना था, वो जरा कितना पैसा बन रहा है यार, वो उस दिन मैं अभी जल्दी निकल गया था, जरा थोड़ा सा मुझे बताओ, मैं अभी जाके दे आता हूँ। अरे भैया ले ले, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी होना भाई। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी देना तो होता है ना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ले लेंगे, मुझे पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, कुछ बताओ, घर पे बैठा हूं अभी। अच्छा, ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे पास, पड़े पैसे। वो तो मुझे पता ही है, एक तभी तो मैं अभी के पास आता हूँ और के जाता ही नहीं। फिर भी कोई अंदाजा, एक सर्विस का अंदाजा कितना हो जाएगा? अरे भैया जो मर्जी कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, पूरी कोशिश करते हैं, तो मिलेंगे तब करेंगे। चलो आप मुझे फिर आप बता देना मुझे जैसा भी होगा ना। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, चलो जी, थैंक यू। अब देखो गाइस, मुझे खुद अभी तक लेबर कॉस्ट नहीं पता चली, आपके सामने ये कॉल मैंने आपके सामने की है। सो अभी गाइस मैं आपको पार्ट्स का बता देता हूँ, लेबर जो भी होगा वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर लिख दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी आपके सामने मुझे भी नहीं पता। सो पार्ट मैं आपको अगर दिखाना भी चाहूं तो अमेजोन से मैंने ऑयल परचेज किया था, ऑयल मैं आपको हाँ दिखाना चाहूंगा। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको ऑयल का जो बॉटल है वो दिखाई नहीं थी, ये आ गई है मेरे पास ऑयल की, जो भी क्या हो इसे। सो ये गाइस ऑयल रायमेक्स बाय रायमेक्स है, क्या है, पोसीडन एक्सआर, रायमेक्स का ब्रांड है, पोसीडन एक्सआर ऐसे 10W40 ऑयल है। दिस इज सेमी सिंथेटिक एंड ये गैसोलीन, एलपीजी और डीजल तीनों पे चलता है, बहुत बढ़िया। सो ये 4 लीटर का है पूरा का पूरा, ये 4 लीटर है एंड ये मुझे गाइस बहुत ही सही प्राइस में मिला था सेमी सिंथेटिक के हिसाब से। मैं आपको एग्जैक्ट अगर दिखाना यहाँ पर चाहूँ तो एक सेकंड मुझे यहाँ पे आप देना, एक सेकंड के अंदर ही मैं निकाल लूंगा, आई होप से जल्दी से निकल जाए, अमेजोन की स्पीड है। फिल्टर लगाया और ये मैंने कहा लास्ट ईयर लिया था, यूज अप कर रहा हूँ। ये आ गया जी, लेस ये रही रायमेक्स पोसीडन एक्सआर। ओके सो व्यू ऑर्डर डिटेल्स, तो ये मुझे सारे कूपन कापन जो भी लगा लगू के 1100 का था, मुझे 1044 का यहाँ पे शायद दिखा रहा है, तो प्रमोशन हाँ 1044 का ये ऑयल मिला था। कम ऑन, देर वी गो 1044 का ये ऑयल है, आप देखना चाहो तो। सो 1044 का ये ऑयल हो गया, जिसमें से मैंने 2.3 या 2.4 लीटर यूज किया है। सो अगर इसका एग्जैक्ट हिसाब लगाए 1045 लगा देते, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में भी है, 1045 डिवाइडेड बाय 4 लीटर जो कि आया 261.25 एंड अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसे 2.4 के साथ तो 627 रुपए का गाइस मुझे ऑयल पड़ा है। एंड इसके अलावा एक ऑयल फिल्टर डाला है और एक एयर फिल्टर डाला है, ये दो चीजें डली हैं। ये मुझे मेरे ख्याल से 200 रुपए की लेके आया था जिस दिन मैं साइलेंसर लेके आया था, तो इसमें हम 200 रुपए और ऐड कर देते हैं, तो 827 का गाइस सामान हो गया। एंड लेबर कॉस्ट जो भी होगी मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। सो ये तो गाइस पार्ट्स और उसके पैसे रहे, तो मतलब इट्स रिलेटिवली चीप, मतलब मैंने 1.5 साल बाद सर्विस की है एंड 1.5 साल बाद भी एक्सपीरियंस बहुत ही सही था, लेकिन अब बहुत ही मजा आ रहा है। आपको एक बार थ्रॉटल खींच के दिखाई देता हूँ, आवाज सुनाई देता हूँ साइलेंसर की भी। क्या बात है, नहीं क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाड़ी हो गई है एकदम स्टार्ट। एंड एक चीज गाइस जो कि यहाँ डिक्की में पड़ी है, मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूँ, ये आइटम है यहाँ पर दिख रही होगी, साइलेंसर शायद नहीं दिख रहा, अब तो दिख ही रहा होगा यार। सो साइलेंसर गाइस ये सेल पे है, 1000 का मैंने लिया था, 1000 का ही मैं आपको दे दूंगा, शिपिंग अलग रहेगी, घर आके लेना है घर आके ले लो, जैसा भी रहेगा मुझे कमेंट करके बता दो। ब्रांड न्यू है क्योंकि मेरा तो आपको पता ही, मैंने वीडियो बनाकर बताया था बोल्ट के कसने के बाद ठीक हो गया था, तो ये वाला तो चला के भी नहीं देखा कैसा है क्या नहीं है, आई डोंट नो, 1000 रुपए का लिया था, आपको वीडियो बना के बताया था, तो किसी को चाहिए होगा तो प्लीज आप ले लेना इस प्राइस रेंज में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मिलेगा। अगर आपको मार्केट से लेना है तो वो भी मैंने बता रखा है, मार्केट से भी ले सकते हो, मेरे पास पड़ा हुआ वेला पड़ा हुआ, किसको चाहिए होगा वो ले लेना यार।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं, सारी की सारी बस आपको डिटेल देनी थी, मैंने आपको डिटेल दे दी है एंड डिटेल देने के बाद मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे स्टोरी कुछ मॉड्स वगैरह के साथ, नैनो के भी और पुंटो के भी। सो फ्यूचर में बस वो धीरे 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 चलते रहेंगे, अभी एक बहुत ही मेजर मॉड आने वाला है आप सबके लिए, सो उसके लिए रेडी रहना। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस शॉर्ट व्लॉग, आई होप यू गाइस लाइक इट। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मुझे एक्यूरेट 100% एक्यूरेट देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, जो मैंने बताया वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। सो उसका आप थोड़ा सा टाइम मुझे आपको देना पड़ेगा, लेकिन so right guys, मिलते हैं in the next video, bye bye, take care, yeah, lots and lots of fun, take care you guys, and हमेशा खुश रहना, हमेशा घूमते फिरते रहना, enjoy करते रहना, गलत मत करना बस, और मेरे vlogs देखते रहना। thank you so much, bye।